नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अजीत आर्ट्स और मैं अपने YouTube चैनल में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग आईब्रो को बनाना सीखेंगे कि आप एक सही तरीके से आईब्रो को कैसे ड्रॉ कर पाएंगे। तो सबसे गलतियां देखते हैं फ्रेंड्स आप लोग का। सबसे पहला गलत तरीका देखते हैं, जो आप आईब्रो को बनाना जब स्टार्ट करते हो तो आप पहले इस तरह से ड्रॉ करना चालू कर देते हैं। आउटलाइन इस तरह से, या फिर आप इस तरीके से आउटलाइन ड्रॉ करना चालू कर देते हैं, ये भी आपका गलत तरीका है। और एक तरीका और है, जो कि आप इस तरीके से ड्राइंग करते हैं आउटलाइन ड्रॉ आईब्रो का, तो ये भी आपका गलत तरीका है। इस तरह से आप कर देते हैं तो ये तो भी आपका गलत तरीका हो गया। तो एक्चुअली में सही तरीके से आप कैसे ड्रॉ करें, एक नियम से जो इसका जो मतलब जो इसका सूत्र होता है, फार्मूला होता है, उसके जरिए आप कैसे कर पाएंगे, तो वही आप लोग को हम सिखाएंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसका नियम देखिए क्या होता है। इस तरह से नियम होता है इसका, तीर जो देख रहे हैं आप, एक ऊपर की तरफ गया, एक सीधा गया स्ट्रेट, फिर नीचे आया। तो इसी के जरिए आपको एक आईब्रो को आउटलाइन ड्रॉ करना है, जैसा कि मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ। इसी के जरिए से कैसे करेंगे, और ये बिल्कुल एक्यूरेट तरीका है, बिल्कुल सही तरीका है। देखिए, तीर मेरा ऊपर की तरफ है, तो पहला स्टार्टिंग हम ऊपर की तरफ जैसे आउटलाइन ड्रॉ कर रहे हैं, उसी को इशारा के मानते हुए करना है फ्रेंड्स। वो क्या कह रहा है उसी को देखते हुए, उसके बाद देखिए इस तरह से बोल रहा है तीर, तो हम इस तरह करेंगे। वो जो तीर बीच वाला देख रहे हैं उसको देखिए, पहले तो हम ये वाला तीर को देखते हुए कर रहे हैं, ये क्या इशारा कर रहा है। तो ज़रूरी है फ्रेंड्स कि आप छोटे छोटे पार्ट को, अब जब ड्राइंग पोर्ट्रेट बना रहे हो तो छोटे छोटे पार्ट को भी अगर आप एक्यूरेट सही से बना रहे हो ना, तो वो पोर्ट्रेट आपका बिल्कुल और देखने में एक्यूरेट लगता है। तो छोटे छोटे पार्ट को आप कैसे ड्राइंग आउटलाइन ड्रॉ कैसे उसको ड्रॉ कर पाएंगे, तो सब वीडियो लेकर के मैं आऊँगा। बस मेरे साथ बने रहिए फ्रेंड्स, तो ऐसे ही मज़ेदार और अच्छे अच्छे ट्रिक के साथ वीडियो लेकर के आऊँगा। अब देखिए तीर क्या बोल रहा है हमको, बस उसी के मुताबिक चलना है फ्रेंड्स। ये बिल्कुल सही तरीका जो कहते हैं वो बन रहा है आपका। इस तरीके से ही एक आईब्रो को ड्रॉ किया जाता है, आउटलाइन ड्रॉ किया जाता है। स्टार्टिंग जैसे करते हैं इस तरह से ही किया जाता है। जो वो बोल रहा है बिल्कुल उसी तरीके से करना है। तो फ्रेंड्स, जब आप ड्राइंग बना रहे हों, पोर्ट्रेट बना रहे हों, तो पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है इसमें। पेशेंस को आप रखते हुए बनाइए पोर्ट्रेट। पेशेंस आपका नहीं गड़बड़ाना चाहिए, पेशेंस बिल्कुल बना के ड्राइंग बनाइए। तो मैं हर वीडियो में बार बार बोलता हूँ कि एक ड्राइंग बनाने में आप पेशेंस को मत खोइए, पेशेंस को रखते हुए बनाइए, क्योंकि ड्राइंग में आपका मेन महत्व वही रह जाता है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप ड्राइंग को नहीं कर पाएंगे फिर, और बनाते बनाते आप छोड़ देंगे, आपको अच्छा नहीं लगने लगेगा तो आप छोड़ देंगे। तो उस तरह नहीं बनाना है, पेशेंस रखते हुए। तो अभी हम फ्रेंड्स इसमें ब्रश का इस्तेमाल करेंगे ब्लेंडिंग के लिए। और ये मेरा
टू बी पेंसिल है इसी को यूज़ करेंगे। पहले तो एच बी से किए, उसके बाद टू बी से हल्का डार्क कर देना है फ्रेंड्स इसको। मैं कंप्लीट करूँगा इस आईब्रो को, हल्का इसको डार्क कर देना है जैसे कि हम कर रहे हैं, बस उसी तरह आपको करना है फ्रेंड्स। घर में प्लास्टिक कीजिए आप बनाने के लिए, तभी हो पाएगा। जैसे हम बताएं आपको कि इस तरह से करना है, तो आप घर में इसको इस तरह से अगर करेंगे तो और आपको नॉलेज बढ़ेगी और रिजल्ट अच्छा आएगा, तो और भी बढ़िया लगेगा बनाने में। क्योंकि आप अगर आप ट्रिक के जरिए एक फार्मूले के जरिए आप ड्राइंग बना रहे हो तो फिर वो आपका ड्राइंग आसान हो जाता है। तो ट्राई तो ज़रूर कीजिएगा घर में इस तरह से, जैसे हम कर रहे हैं, जैसे आपको बताएं अभी हम। तो अभी हम 2B पेंसिल से इसको डार्क कर रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इसको कंप्लीट करना है और बिल्कुल रियल टाइम में आपको वीडियो दिखा रहे हैं फ्रेंड्स, इसमें कोई टाइम लॉस नहीं है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और जो पेंसिल हम यूज कर रहे हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा पेंसिल ये किला की ग्रेफाइट का पेंसिल है, स्केच पेंसिल। अधिकतर आर्टिस्ट यही पेंसिल यूज करते हैं, और बिल्कुल कम प्राइस है इसका, 45 रुपये। और फ्रेंड्स आपको मार्केट में भी ये आसानी से पेंसिल मिल जाएगी, 45 रुपये का आता है। तो अभी तो हम फ्रेंड्स इसमें 4B पेंसिल यूज़ करेंगे फिर, तो देख रहे हैं कि हम मेरा 4B पेंसिल काम नहीं कर रहा है, तो इसमें 6B पेंसिल अब यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा डार्क चाहिए, तो 6B पेंसिल इसमें यूज करेंगे। तो उसी को हम कर रहे हैं फ्रेंड्स अभी, और इस आईब्रो को पूरा कंप्लीट ही करूँगा हम। और फ्रेंड्स इसमें वीडियो को थोड़ा स्पीड कर दिए हैं, ताकि ज़्यादा टाइम नहीं, ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो जाए। तो बिल्कुल ऐसे ही पेशेंस के साथ करना है फ्रेंड्स, और घर में ज़रूर अभ्यास कीजिएगा, क्योंकि अगर आप एक ट्रिक से बना रहे हो ना, तो फिर वो रिजल्ट सही आता है उसका। तो हमको उम्मीद है फ्रेंड्स कि आप लोग को समझ में आ गई होगी कि किस तरह से स्टार्टिंग करना है और किस तरह से इसको अंत करना है। तो फिर हम ये ब्लेंडिंग कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये इसमें 2B का पेंसिल लेकर के जहाँ पर जो फिनिशिंग है उसको कर देंगे। लगभग ही मेरा ड्राइंग कंप्लीट होने वाला है फ्रेंड्स। तो आप लोग को कैसा लगा मेरी वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले फ्रेंड्स, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, और जो सही तरीका और जो गलत तरीका तो वो तो आपको हम बता दिए जैसा कि दिख रहा है इस तरह से करना है फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स इतनी देर तक वीडियो देखने के लिए।